आखिर इस ट्रेन का राइट टाइम क्या है? यही टाइम है पापा, आती ही होगी। जाकर पता लगाओ कि ट्रेन कितने बजे आएगी। क्या पता लगाऊं, आएगी तो पता लग जाएगा। अच्छा जगदीश को फोन करके पूछो ट्रेन कहाँ पहुँची। हेलो, कौन? हाँ, मैं जगदीश की बहन बात कर रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए। इंजन में कुछ खराबी हो गई है, इसी वजह से देरी हो रही है। भैया वहाँ पे है जगदीश? हाँ वो वहाँ पे खेल रहा है। Captain Jagadish reporting, sir. Sorry, sir. ये दाढ़ी तूने कब से रखी? बस ऐसे ही थोड़ा स्टाइल मारने की कोशिश कर रहा हूँ। और क्या, कैसे हो बेटा जगदीश?
बात बाद में करना, पहले ये बैग मुझे दो, कुछ जरूरी काम करना है हमें। चल चल चल, अब देर मत कर, चल। ये बैग पकड़ो। हाँ आओ बेटा। और कैसे बाबा, यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो, जल्दी चलो। एक्सक्यूज मी, अभी तक। अरे वहाँ कहाँ जा रहे हो, यहाँ आओ, इस तरफ। हाँ आ रहा हूँ बाबा। चलो बैठो। अरे बैठो बैठो ना, चल चल जल्दी बैठ। थर्ड गियर में डालो। पापा ये इतनी हड़बड़ी में हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें नहीं पता, भूल गए क्या? अपने लिए बहू ढूंढने जा रहा हूँ, कल से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, फिर तुम्हें कोई लड़की नहीं दिखाएगा। सिर्फ आधे घंटे में लड़की देखने का मुहूर्त खत्म हो जाएगा। अगर अभी हमने लड़की नहीं देखी तो एक साल और कुंवारे घूमना। माँ ये मुहूर्त वुहूर्त का क्या चक्कर है? कोई लड़की देखने इस तरह यूनिफॉर्म में जाता है क्या? पहले मुझे घर जाने दो, नहाने दो, थोड़ी देर आराम करके फ्रेश तो होने दो। अभी जाने में क्या बुराई है? माँ शाम तक मैं बूढ़ा नहीं हो जाऊंगा। सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, गड्डी चौथे गियर में डालो सरदार जी। पहले बैलगाड़ी चलाते थे क्या? बस 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 बस, यहीं रोक दो, सिर्फ 8 मिनट बचे हैं, साइड में लो। अरे ब्रेक तो लगाओ, उन पे चढ़ा दोगे क्या? रुको 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 रुको। नमस्कार, लड़का नहीं आया? ये रहा लड़का। ओ ये है, लगता है सीधा जंग के मैदान से आ रहा है। आइए आप लोग, आइए बताइए। चलिए चलो, भले आप आइए। ए ए कहाँ जा रहे हो? अंदर चलो, चलो आइए आइए, अंदर आइए। ऐसे क्यों कर रहे हो आप? लड़का तो बहुत अच्छा लग रहा है। आइए 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 आइए, बैठिए। देखिए भाई साहब, जल्दी से लड़की को बुला लीजिए, मुहूर्त निकलने से पहले हम लड़की को देख लेना चाहते हैं। 7 मिनट 20 सेकंड बचे हैं। निशा, अरे निशा को बुलाओ। निशा, एक गाना हो जाए। हाँ चलेगा। लड़की को देख के तो लग रहा है कि निशा से जन गण मन गवाएगा। वंदे मातरम भी चलेगा। क्यों, कैसी लगी मेरी बहू? अभी बहुत सुंदर थी ना। पापा मुझे जरा उनका नंबर देना। हाँ मैं देती हूँ, 0222-261-864-476। शोर मत करो, लड़के का फोन है। चुप। हाँ बोलो बेटा। सर आपकी बेटी है तो बहुत सुंदर। नाइस, क्या बात। लेकिन वाह, मेरा टेस्ट जो है वो थोड़ा सा क्या भैया अलग किस्म का है। हा? मुझे नहीं लगता कि मैं उसके साथ रह पाऊंगा। हाँ लेकिन क्या? मुझे यकीन है कि आपको मुझसे बेहतर दामाद जरूर मिलेगा। प्लीज आप मुझे गलत मत समझना। बुल्लू के पट्टे, ये क्या कर दिया? इस जन्म में तो इनकी शादी पक्का नहीं होने वाली। आखिर वो लड़की तुम्हें क्यों पसंद नहीं है, मुझे एक वजह तो बताओ। एक नहीं तीन है। क्या? लड़की के बाल उसकी कमर से नीचे जा रहे हैं। ये भी कोई वजह है?
अरे लंबे बालों वाली लड़कियां संवरने में घंटों लगा देती हैं, बस कंघा लिया और बाल बनाती रहती हैं, बनाती रहती हैं, बनाती रहती हैं। रहने दो। अगर हमें कभी बाहर जाना हुआ तो बस 5 घंटे तक चोटी बनाती रहेगी। मैंने ये बाल मांगे थे, मैंने कहा था तो मेरी शादी करवाने की, इतनी जल्दी क्या है? उसे देख के तो यही लगता है, अगर हवा चली तो सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएगी। ये तो अपने बाप की ही धुलाई कर रही है। देखा, आप ही कहते थे ना इसे थप्पड़ मारो, अब आप ही को चिपका दिया इसने। मुझे अपने लिए एक स्टाइलिश लड़की चाहिए माँ, पर वो तो बिल्कुल गांव की गंवार। इतने पैसे लेके कहाँ जा रही हो? फ्रेंड से कहा था कि लड़का रिजेक्ट करेगा तो पार्टी दूंगी। Police entered the apartment by force, breaking down the door and found the victim dead inside. The police say that according to the postmortem report. जब तेरे आने की खबर सुनी तो मैं चिकनगुनिया का बहाना बना के घर निकलना चाहता था, लेकिन किस्मत देखो छुट्टी नहीं मिली। तो इनडायरेक्टली तू ये कहना चाह रहा है कि मैं तेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी हूँ। तुझसे मैं डरता नहीं हूँ, जो भी बोलता हूँ डायरेक्ट बोलता हूँ, जैसे अभी बोला। तुझे ये इनडायरेक्ट लगता है, तू परेशान आत्मा है। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा भी क्या किया? क्या किया? तो यहाँ अपनी छुट्टियों में आता है, रात दिन मेरे साथ भटकता रहता है, मेरे काम में अपनी चोंच चढ़ाता है। जब भी बात मुझे सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनाने की आती है, वो तेरी वजह से रुक जाती है। साल में एक बार आता है, अपने परिवार के साथ नहीं रह सकता? ऐसा नहीं है यार, मम्मी पापा ने वार्निंग दे रखी, कहा है कि सुबह निकलो तो रात से पहले घर पे मत आना, उन्हें लगता है कि घर पे मैं बिगड़ जाऊंगा। सुबह सुबह मैं ही मिला उल्लू बनाने को? छोड़ ना यार, मैं प्रॉमिस करता हूँ तेरे काम में मैं बिल्कुल टांग नहीं अड़ाऊंगा। ओके, साहब आ गए। गुड मॉर्निंग सर। यहाँ क्या हो रहा है? कोई टूर्नामेंट है, हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, और क्या। बंदोबस्त ठीक है ना? किसी को आईडी कार्ड के बिना एंट्री मत देना, ठीक है? बच्चा, ये एक लेडीज कॉलेज है, ताड़ना है ताड़ ले, लेकिन किसी लड़की ने झाड़ दिया ना तो मैं कुछ नहीं करूंगा। यस सर। सीखना थोड़ा अंदर का। अच्छा, कल तो लड़की देखने गया था ना, क्या हुआ? अब क्या बताऊं? टूर्नामेंट इज अबाउट टू बिगिन। फर्स्ट वी हैव फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज निशा। वो एकदम शर्मीली सी लड़की थी यार, और मुझे तो लगा कि बहुत ही डरपोक है। इसी टाइप की कोई लड़की चाहिए ना? इसी को तो मैंने रिजेक्ट किया था। नहीं नहीं, हरगिज नहीं, ये हमारी नाक कटा के रहेगा। अगर हाँ ही कहना था तो पहले मना क्यों किया, और अब ये चाहता है कि मैं जाके फिर से रिश्ते की बात करूं। ये मुझसे ना हो पाएगा। अरे शादी की बात है, कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं। माँ, ये भैया का तो कुछ नहीं होने वाला। प्लीज 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 प्लीज, मैं अब उनके घर नहीं जाने वाली, अपने पापा को भेज दे। माँ मेरी बात तो सुनो। क्या कहा? मैं कोई खेलने की चीज हूँ? पहले उसने मना किया, अब हाँ कह रहा है। शादी के बाद भी अगर उसका दिमाग बदल गया तो चलेगा क्या? अच्छा सुन, जब कोई लड़का प्रपोज करे ना, तो उसे आई लव यू 2 बोलने का और टाइम पास करने का। अगर वो ठीक ना लगे तो ब्रेकअप कर लेने का, लेकिन उसे मना करने से पहले 50 बार सोचने का। देख, जब तक अपना फिगर है ना, तो लड़के कुत्तों की तरह आगे पीछे घूमते हैं, और जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, तो कोई नहीं पूछने वाला। इसीलिए सब कुछ छोड़, मेरी बात मान, बिना सोचे बिना समझे आई लव यू बोल ही डाल। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं जिम जाके एकदम फिट हूँ।
लेकिन बात ये है कि तू जो बात है ना वो बात समझता नहीं है, इसलिए मुझे बात को बढ़ाना पड़ता है। और तू देखने में तो अच्छा लग रहा है, चलो उसके साथ टाइम पास करते हैं। इसी को रिजेक्ट किया था मैंने। तू बात को समझ जाएगा। क्या हुआ, तुझे मेरी बात अच्छी लगी ना? तो बात बात में मैं कहना भूल गया था कि हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात क्या थी। अगर वो बात याद आ जाए तो बैठे बैठे कबड्डी क्या खेल रहा है? नीचे उतर, उतरो ना। अरे आज तो इसकी खैर। ए, तुमने मुझे किस करने की हिम्मत कैसे की? मैंने कब? हाँ, मैंने अपने इस आईने को किस जरूर किया था। अब ये मेरा शीशा है, मैं इसे किस करूं या प्यार करूं तुम्हें क्या? शीशा तुम्हारा है लेकिन उसमें जो चेहरा था वो मेरा था। आईना सरकारी है मैडम। तुम चुप रहो। हेलो, ये मेरा आईना है, इसे मैं किस करूं, सहलाऊं या फिर तोड़ दूं, तुम्हें इससे क्या मतलब है? ड्रामा कर रहे हो, मैं ही तोड़ देती हूँ। आईने के पैसे मेरी सैलरी से कटेंगे। इस रास्ते में मुझे किस करने की तुमने हिम्मत कैसे की? और तुम किस तरह के पुलिस? बहुत अच्छा पुलिस वाला हूँ मैं। फ्रॉड लगते हो, तुम्हारे खिलाफ लड़की को छेड़ने की कंप्लेंट कर दूंगी। फिर से दिख गए ना तो आई विल किल यू। यार इसके साथ तो जिंदगी कैसे बिताएगा? तुम बॉक्सर निशा को चिल्लाती है। उस दिन अगर उस लड़की को तू पसंद कर लेता ना तो आज हम दोनों इस तरह बस में नहीं होते। सुपर ना, हमें पता भी नहीं चला और उसने चाबी किस सफाई से गायब कर। एक नंबर की जेब कतरी लगती है। ये बता, अगर शादी हो गई तो तुम दोनों हनीमून पे कहाँ जाओगे? चोर, चोर, किसने मेरे पॉकेट मार लिया? 5,000 रुपए मेरे पर्स में थे, किसने चुराया? घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत, चोर बस में ही होगा। 5,000 रुपए थे। मैं पुलिस वाला हूँ, मुझे वापस चाहिए। हम दोनों पुलिस वाले हैं, हम सबको चेक करेंगे, पर्स मिल जाएगा। मुझे चाहिए। ड्राइवर बस को रोको, कोई उतरेगा नहीं, सबको चेक करेंगे। बाला जी, तुम यहाँ चेक करो। ठीक है, मैं पीछे जाकर चेक करता हूँ। नीचे उतरो, दिखाओ। चलो चलो, करके नीचे आओ। हाँ चलिए चलिए, सब लोग आइए। पैंट में जेब ही नहीं है। हाँ ठीक है, थामा थामा, एक एक करके। सर ये मेरा पर्स है। सुनो, ये है क्या? नहीं सर, नहीं सर। ठीक है तुम जाओ। अच्छा जाओ। अरे रुको, अभी जल्दी करो यार, तुम्हारे पास भी नहीं है, जाओ। अच्छा ये आपका? आप अंदर जाके देखिए, सीट के नीचे देखना। हाँ जी, बैग्स भी चेक करना। ठीक है, देखता हूँ। अच्छा, बैग की चेन खोलिए, इसमें आपका कुछ है? पर्स चोरी करता पर्स, है? मेरे पर्स। चोर कहीं के? ये है मेरे पर्स। जब को पकड़ा गया, ये देख, ये रहा चोर। सुन जग्गा, तू क्यों भाग रहा है? क्यों क्यों भाग रहा है?
इस हादसे में 37 लोगों की मृत्यु हुई है। मुंबई में हुए इस ब्लास्ट में 37 लोगों की मृत्यु हो गई। We will leave no stone unturned to solve the case. मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि कोई पुख्ता सबूत जरूर मिलेगा। मैं इस तरह के आतंकवादी संगठन को बता देना चाहता हूँ कि बॉम्ब ब्लास्ट को अपनी जीत न समझें। समाज साले का हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं, थर्ड डिग्री देके पूछताछ करनी चाहिए। गुनहगारों को पकड़ेगी। अपने देश की जनता के लिए मैं अपने जिस्म को तार तार करके भी अपने देश की रक्षा करूंगा। ये देख, साले ने करा धरा कुछ नहीं है और बड़े बड़े डायलॉग मार रहा है। मेहनत तेरी हीरो ही है। दरअसल मैं वहाँ मौजूद था। टीवी पर तो इंटरव्यू मुझे देना चाहिए था। मेरी सास मेरी फैन बन जाती, अपनी दूसरी बेटी का हाथ भी मुझे देती, समझा? और ये हवा में उड़ रहा है। देश की जनता के लिए गोली भी खा सकता हूँ। There were about 18 people killed and about 26 people injured. मुंबई में हुए आतंकवादी हमले ने सबको हिला कर रख दिया है। कहा जा रहा है कि बॉम्ब एक बैग में था और जब इसे खोलने की कोशिश की गई तब वो फट गया। इसमें 37 लोगों की जाने गई। न जाने और कितने आतंकवादी खुले घूम रहे हैं और पता नहीं आखिर ये सब करने के पीछे उन लोगों का मकसद क्या है। मीडिया से बातचीत करते हुए होम मिनिस्टर ने इस बात पर अपनी चिंता जाहिर की। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुलमर्ग, नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। जब आतंकवादियों ने बम को दूसरी जगह ले जा रहे थे तब विस्फोट होने की संभावना। मैं तेरे आने का ही इंतजार कर रहा था। क्यों? अंदर चल बताता हूँ। ये जगदीश का घर है। मैंने okay. जैसे कहा है बिल्कुल वैसे करना। तुम सब ऊपर जाओ, अलर्ट रहना, ठीक है? ओके। ये तुम्हारी अनऑफिशियल ड्यूटी है, इसलिए वॉकी टॉकी पर सब अलग अलग चैनल पर बात करना। ओके सर। इतनी रात को ये सब क्या हो रहा है? ये सब मुंबई पुलिस के लिए काम करते हैं, अब से यही रहेंगे। तेरे घर के बाहर सिक्योरिटी देने का काम करने वाले हैं। हाँ, एक और बात, कल सुबह अपने परिवार के साथ गांव चले जाना। मैं कुछ समझा नहीं। वो हॉस्पिटल से भाग गया है। क्या कह रहा है? उसने एक डॉक्टर को और कई पुलिस ऑफिसर्स को मार डाला है। और कैसे? क्या पता, पता चल जाएगा। तूने उसको पकड़ा था ना, इसलिए मुझे डर था कि कहीं वो यहाँ ना आ जाए। लेकिन अब तो सिक्योरिटी का इंतजाम हो गया। शिंदे, अलर्ट रहना। ओके सर। चल, मैं चलता हूँ, बाय। आजकल तो भलाई करना नहीं चाहिए, सब बेकार है।
बस में मौजूद उन मासूम बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? जानता है कुछ पूछने से पहले मैंने तेरी उंगली क्यों काटी? क्योंकि जब मैं तुझसे सवाल पूछूंगा, अगर तूने जवाब नहीं दिया तो तू जानता है कि क्या होगा। एक क्वेश्चन, एक ही सेकंड जवाब दे, नहीं तो तेरी दूसरी उंगली भी जाएगी। Someone helped you at the hospital. Who was that? Security Chief Inbas Shekharan. हो गया। So simple. कौन? मैं हूँ। ए, कौन है तू? इस टाइम पे यहाँ क्या कर रहा है? कौन है बेटा? देख रहा हूँ माँ, आप सो जाओ। अबे कौन है तू, क्या चाहिए तेरे को? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। टेरेस पे चलकर बात करें? अभी बहुत रात हो गई है, चल अब निकल। जिस आदमी की तूने भागने में मदद की वो मेरे घर में है। सॉरी, मैंने अपने बारे में बताया नहीं। मेरा नाम है जगदीश, इंडियन आर्मी से हूं। मेरा एक और इंट्रोडक्शन है, DIA, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का एक स्पेशलिस्ट हूं। यूं समझ लो कि एक सीक्रेट एजेंट। मेरे साथ रहने वाले लोग, मेरे फ्रेंड्स, यहां तक कि मेरी फैमिली को भी इस बारे में नहीं पता। तू सोच रहा होगा कि मैं तुझे ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ज्यादा देर जिंदा नहीं रहने वाला है तू। जब हम कैंप पर होते हैं और दूसरे देश की तरफ से फायरिंग होती है तो हम भी बदले में फायरिंग करते हैं। क्या करें, करना पड़ता है। एक दिन कैंप में साईराज नाम का आदमी अचानक लापता हो गया, पता नहीं चला कहां गया। 7 दिन हमें वो कहीं मिला नहीं, लेकिन 8वें दिन मिल गया। बेचारा दुश्मन के कैंप में पहुंच गया था। 7 दिनों तक उसे टॉर्चर किया गया, उसकी आंखें फोड़ डाली और वो बियर बॉटल उसके पीछे से एक बियर बॉटल घुसाई, उसे अंदर दबाया और फिर फोड़ दिया। उसके परिवार को हमने उसकी डेड बॉडी सौंपी। उसकी माँ आज भी रोती है, बाप सर पटकता है, बहन आज भी भाई का इंतजार कर रही है। उसके मरने के 13 दिन बाद उसके छोटे भाई ने आर्मी ज्वाइन की।
हम हर रोज वहां पल पल मरते हैं ताकि तुम यहां जिंदा रह सको। ये एक देसी गन है, ये मेरी गन है। मैंने तुझे शूट किया तो इंक्वायरी बैठेगी, मुझे बताना पड़ेगा मैंने तुझे क्यों मारा, और तेरा परिवार तबाह हो जाएगा, तेरे बच्चे सिग्नल पे भीख मांगेंगे, तेरी पत्नी को गुजारे के लिए गैर लोगों के साथ सोना पड़ेगा। लेकिन अगर तू खुद को शूट कर ले तो ड्यूटी पर इसे सुसाइड माना जाएगा, तेरे घर में किसी ना किसी को नौकरी मिल जाएगी, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, महीने की एक तारीख को पेंशन मिलेगी, बाकी तेरी मर्जी। और अगर जरा भी होशियारी करने की कोशिश की तो मैं पक्का उड़ा दूंगा। की मौत मरेगा। एक एक करके सारे देशद्रोहियों को ऊपर भेज दूंगा मैं। एक बात और, मुझे पता है कि तुम दोनों को पूरी बात पता नहीं है, शहर में 12 ब्लास्ट करने वाले हैं। कब? 27।
हम में से सबसे पहले शादी रीटा की हो रही है। हाँ, बहुत लकी है, चट मंगनी और पट ब्याह लाइफ में सेट हो गई है। थैंक यू वेरी मच। देखो तो कितनी सुंदर लग रही है। थैंक यू। ये तो शर्मा रही है। थैंक यू। हाय, कांग्रेचुलेशंस अंकल। हे, वाओ, थैंक यू। हे, कांग्रेट्स, यू आर लुकिंग सो क्यूट। ये पकड़ो। हां, मुझे अर्जेंटली कुछ बात करनी है। आप कैसे हैं? क्या बात है, यही बोलना। प्लीज 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 रीटा, दो मिनट के लिए साइड में आ जा। तुम्हारा दिमाग खराब है, इस वक्त मैं कहीं नहीं जा सकती। प्लीज, वरना टेंशन के मारे सर फट जाएगा मेरा। तो ऐसा हुआ? ठीक है, दोनों साथ में जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। अच्छा, कॉन्ग्रेट्स। क्या हुआ? कॉलेज में मेरे बाद सबसे सुंदर तू ही थी, है ना? ठीक है, हम दोनों इक्वल थे। तेरे हॉस्टल के कमरे में रणबीर कपूर, शाहिद कपूर, जॉन एब्राहम के पोस्टर्स लगे हुए थे, तो फिर इस टकले से शादी क्यों कर? मेरा मतलब, और कोई स्मार्ट लड़का नहीं मिला क्या? मेरी बात सुन, थोड़ा प्रैक्टिकली सोच। वो काफी अच्छा कमाता है, और इससे ज्यादा लड़की को क्या चाहिए? अच्छे दिखने वाले लड़के कामयाब नहीं होते, और जो कामयाब होते हैं वो अच्छे नहीं दिखते। ए, रुक! क्या हुआ? रिसेप्शन के दिन मेरे पति अकेले खड़े हैं। अच्छा सुन ना, अगर लड़का अच्छा कमाता हो और अच्छा दिखता भी हो तो क्या करना चाहिए? तो सब कुछ छोड़ के उससे शादी कर ले। चल खड़ा हो जा, बैठा क्या? मेरे दिमाग में एक सवाल कब से बॉक्सिंग कर रहा है। कैसा सवाल? मुझे बोल, शायद मैं जवाब बता दूं। पुलिस वाला होने के नाते मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तू क्या कर पाएगा? जानता है एक पुलिस वाले और मिलिट्री वाले में क्या फर्क होता है? तुम लोग कभी अपना दिमाग चलाते ही नहीं हो। सावधान सुनते ही सीधे खड़े हो जाते हो, विश्राम सुनते ही पैर फैला देते हो, शूट का ऑर्डर मिलते ही दिल 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 दिल। हम जैसे पुलिस वालों के पास दिमाग होता है, पता है? जेब कतरे को पकड़ने के बाद हमें जेब कतरे की तरह ही सोचना पड़ता है। एक कातिल को पकड़ने के बाद हमें उसके कैरेक्टर में घुसना पड़ता है, और आतंकवादी को पकड़ने के बाद हमें भी आतंकवादी बनना पड़ता है। जब मुझ जैसा चालाक पुलिस वाला ये नहीं कर पा रहा है, तो तू क्या कर पाएगा? एक बार बोलकर तो देख, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर दूं। अच्छा ठीक है, तू भी सुन ले। तू जानता है ना, उस दिन वो आतंकवादी भाग गया था, ठीक उसी रात को एक पुलिस ऑफिसर ने अपने ही घर में खुद को शूट कर लिया था। और हाँ, ये वही ऑफिसर है जो उस रात हॉस्पिटल में ड्यूटी पर था। अब मेरा इंटेलिजेंट दिमाग ये सोच रहा है कि इन दोनों हादसों का एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं है। वो कोई सुसाइड नहीं था, मर्डर था। तुझे कैसे पता? मैंने उसे मारा था। तूने तूने ऐसा क्यों किया? उसने टेररिस्ट की भागने में मदद क्यों की? टेररिस्ट की भागने में मदद की? तुझे कैसे पता? टेररिस्ट ने बताया। हॉस्पिटल से भागा हुआ टेररिस्ट तुझे कहाँ मिल गया? यार जब वो हॉस्पिटल में, हाँ हॉस्पिटल में क्या? हॉस्पिटल में क्या? हॉस्पिटल में क्या? अरे बार बार झुका क्यों रहा है? किससे बातें कर रहा है? रुक 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 रुक, जग्गू मेरे भाई, तू जानता है ना मुझसे सस्पेंस झेला नहीं जाता, आगे बताना। एक मिनट रुकना यार। बोलो। Actually, I, you, I. तुम English speaking class से आ रही हो क्या? नहीं नहीं। क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? ये idea तुम्हें कब आया? आज सुबह ही 9:45। क्यों 9:45 ऐसा क्या हुआ था? मैं अपनी फ्रेंड की शादी में गई थी। वो मेरे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन जिससे उसने शादी की वो दिखने में बेकार है। मैंने जब उससे वजह पूछी तो उसने जो कहा उससे मेरी सोच ही बदल गई, और मेरी फ्रेंड्स ने भी मुझसे यही करने के लिए कहा। लेकिन शुरू से ही हमारी कुछ जमी नहीं है। पहले मैंने ना कहा, फिर तुमने ना कहा, अब तुम कह रही हो कि तुम्हें। तो अब हाँ कह रही हूँ ना। हाँ, लेकिन हमारे टेस्ट कुछ मिलते नहीं है ना। तुम स्मोक करती हो? हाँ? दम लगाती हो? छी, एक शरीफ घर की लड़की सिगरेट कैसे पी सकती है? वैसे भी बॉक्सिंग में ये अलाउड नहीं है। देखा ना, मुझे सिर्फ ऐसी लड़की पसंद है जो स्मोक करती है। वैसे ऐसा नहीं है कि कभी किया नहीं है। गर्ल्स पार्टीज, न्यू ईयर में,
दम लगाया है मैंने। ओके, दारू? शराब पीती हो? ड्रिंक्स? कभी कभी वोडका भी पी लेती हूँ। हाँ, फिर देखा, मुझे ड्रिंक करने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पता है, तुम जानबूझ के मेरी फिरकी ले रहे हो। तुम भी मुझसे प्यार करते हो। कितनी दूर से आई हूँ पता है? अपनी दोस्त की शादी छोड़ के आई हूँ मैं। नाश्ता भी नहीं किया है। तुम कहो तो मैं तुम्हें अभी वरमाला पहना दूँ। मैं तो मजाक कर रहा था यार। एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम हो गई? बताओ। एक और लड़का मुझे देखने आया था और मैंने उसे हाँ कह दिया। तुम पे गुस्सा थी ना? तुमने उसे हाँ कह दिया? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पहले हाँ कह के फिर ना कहने में कहाँ वक्त लगता है? तुम्हें तो पता ही है। तुम्हें हाँ कहा है और उसे हाँ कहा है, उसमें फर्क है। वो भी मिलिट्री वाला है। उसे अपने रिश्ते के बारे में बता के हम उसे मना सकते हैं। उसने मुझे आज 12 बजे कॉफी शॉप में बुलाया है। ओके, मैं भी साथ चलता हूँ, मैं बात कर लूंगा। तुम भी चलोगे? यही बुलाया है। रुको, तुम यही रुको। मिलिट्री वाला है ना, शार्प टाइम पे आता है। पहले मैं अंदर जाती हूँ, फिर तुम आना, ठीक है? निशा, मैं जाके उससे बात करता हूँ, तुम यही रहो। एक्सक्यूज मी। यस। IC 58462, कैप्टन जगदीश रिपोर्टिंग सर। बटालियन सल्यूट। सॉरी सच, सॉरी। ए जग्या, तू इधर क्या कर रहा है? कैसा है रे तू? आई एम फाइन सर। जब तूने मेरे को देख के सर बोल के सल्यूट मारा तो मेरे को लगा मैं परेड ग्राउंड में हूँ। चल चल चल। नो सर, नो सर। जग्या सुन, जिससे मैं शादी कर रहा हूँ ना, वो मुझे मिलने इधर ही आ रही है। इसलिए कान में ये लगाया। पहली बार लड़की से मिल रहा हूँ, भीती वाटते रहे। Can I get something for you, sir? गुण, 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 गुण। Nothing, nothing, nothing. मैं इधर बैठता हूँ। नमस्कार। हेलो, कैसे काय? हेलो हेलो, आले का? बस बस, तुम्हारी आई ने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया, फोन पे बोला कि मैं तुमको अच्छा लगा। सॉरी निशा, मीट मिस्टर जगदीश, वी आर इन द सेम बटालियन, पर हमारा जूनियर है। लाइव मस्ती करता रहता है, फिर मेरे से डांट खाता है। इसलिए मेरे से बहुत डरता है ये। कायरे जगदीश, ही निशा। हेलो मैडम। मैडम निशा, काय घेणार तू? नथिंग। म्हणजे डाइटिंग? ओह दॅट्स ग्रेट। आणि तुला पण काही नको? नो सर। ओ वाओ। निशा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अगर मौका मिले तो। यू मस्ट कम बरा। और जगदीश तू भी आ जा घूमते घामते। यस सर। नाउ 12:30, तुमने कहा था 12 बजे आओगी। 12 o'clock, आई एम सो पंक्चुअल यार, मैं मिलिट्री मैन है ना, म्हणून। सो शाम को मिलते। शैल आई मेक अ मूव? बाय बाय। ओके जगदीश। यस सर। IC 584। ओ काय रे सर, टाइम मिले तो आ जा सर। ओके बाय, चलिए तो, सी यू। बच गया। ये था तुम्हारा बात करने का तरीका? अब वो बात नहीं है मैडम। हाँ? आप मेरे सीनियर ऑफिसर से शादी कर रही हैं। अभी तो वो गया, अब क्यों मैडम बुला रहे हो? हम दोनों तो लव करते हैं ना। हाँ तो ठीक है, अभी ब्रेकअप कर लेते हैं। हाँ? 1 घंटे पहले तो लव किया और अब ब्रेकअप भी कर रहे हो? एक बात सुनिए मैडम, वो हर तरह से मुझसे बेहतर है। 100 मीटर भागने में मुझे 52 सेकंड्स लगते हैं और उन्हें सिर्फ 48 सेकंड्स। हाई जंप में मैं 6 फीट 1 इंच कूदता हूँ, वो 6 फीट 4 इंच से ऊपर,
लॉन्ग जंप में मैं 7 मीटर क्लियर करता हूँ, वो करता है 7.4। वेट लिफ्टिंग में यहाँ क्या मैं मिलिट्री का सिलेक्शन कर रही हूँ? मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं भी तो पहली बार में तुम्हें पसंद नहीं आया था, लेकिन अब पसंद हूँ। हो सकता है कि कल वो तुम्हें पसंद आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे भी मुझे तो कोई भी मिल जाएगी, पर तुम ही सोचो भला इस उम्र में अब उनसे कौन शादी करेगा। अरे तो क्या मैं बलि का बकरा बनूं? फोन बज रहा है। तुम्हारा बज रहा है। ओ सॉरी। बताना हॉस्पिटल से भागे हुए टेररिस्ट को तूने कहां देखा था? तुझे सस्पेंस रखना पसंद नहीं है और मुझे सस्पेंस खोलना पसंद नहीं है। कल हम दोनों को बहुत बड़ा काम करना है। रुक 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 रुक। ए, तू यहाँ अचानक कैसे आ गया? अच्छा मैं क्यों आया हूँ ये तू नहीं जानता? नहीं, मेरा मतलब कम से कम फोन करके तो आता। नीचे जा, मैं बस अभी आया। ठीक है? तूने उस टेररिस्ट को कहाँ देखा था? ये तो वही टेररिस्ट है, यहाँ कैसे आया? तेरे जाने के बाद मैं रात भर हॉस्पिटल में ही मौजूद था। तू इसको ऐसे यहाँ नहीं रख सकता, पुलिस के हवाले कर दे। क्यों? ताकि ये फिर से भाग जाए? तभी तो उसके साथियों के बारे में पता चलेगा। मुझे सब पता है। क्या पता है? तू डॉक्टर वाला कोर्स कब किया? अच्छा तो तू पार्ट टाइम डॉक्टर भी है? ये किस चीज का इंजेक्शन है? इसको खोल क्यों रहा है? अब तू जा कहाँ रहा है? अबे तू कितने सवाल पूछता है। उस इंजेक्शन में बेहोशी की दवा मिली हुई थी, इससे वो 2 घंटे के लिए बेहोश रहेगा। अब चल। अब कहाँ जा रहे हैं? सवाल पे सवाल है? आज मेरे बैचमेट की शादी है, चल चलते हैं। ए, ये तो हद हो गई। टेररिस्ट को छोड़ के तू शादी में जा रहा है? उसके हाथ भी खोल दिया तूने। हम जल्दी लौट आएंगे। ओए जगदी, कैसा ब्रो? ब्रो? ओ देखो, वो खड़ी है चंडाल झोपड़ी। हे, हाय। Please come. Hi. Thank you. Thank you. How are you? Hello, auntie. I'm fine. I'm fine. Hi. How are you? Thank you for coming. अरे मैंने कितनी बार फोन लगाया लेकिन तू फोन उठाता ही नहीं है। अच्छा उस दिन मैंने Now you may kiss the bride. चलिया, 2 घंटे हो गए। हाँ, चलते हैं ना, जल्दी क्या? 2 घंटे बोला था। Excuse me. दूल्हा दुल्हन आप लोगों को बुला रहे हैं। Hey. ओए, चलो। अरे ओए। 2.5 घंटे हो गए यार। आ जा। उम्र कैद हो गई। Congrats, bro. पल्ले पल्ले, हमसे भी जब्बी पाले। Thank you. अरे अपनी भाभी से तो मिलो, सारा। Hello, भाभी जी। Thank you. Thank you. अरे क्या कर रहा है यार, 3 घंटे हो गए, हद कर रहा है तू तो। गाइस, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। एक छोटा सा गेम हो जाए? गेम? तुम भी ना हमेशा नया ना गेम लाते हो, खुद निकल जाते हो, हमें फंसा देते हो। और इट्स अ रियल गेम। रियल गेम? या ओके, हम 6 एक टीम में, तुम 6 एक टीम में, क्या बोलते हो? नो 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 नो, हम सब एक टीम में। एक टीम में? वो ये कौन सा गेम है? पर रूल्स क्या हैं? I'll tell you later. ओके, जीतने के बाद तुम्हें पार्टी देनी होगी। Definitely. ओए हम तो तैयार हैं। Guys, ये एक सीरियस गेम है। अब हमें पता चलेगा कि
सामने वाली टीम में कौन है। दो मिनट के बाद एक आदमी उस घर से भागता हुआ निकलेगा, हमें उस आदमी को फॉलो करना होगा। जब वो अपने एक और साथी से मिलेगा, हमारी टीम्स दो ग्रुप्स में बंट जाएगी। हम में से छह एक आदमी का पीछा करेंगे, बाकी छह दूसरे आदमी का। आगे वो जिससे जिससे मिलेंगे, हमारी टीम वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। हमें उनका पीछा करते रहना होगा। अपने अपने सेल फोन्स ऑन रखना और मेरे अलावा किसी और का फोन नहीं उठाना। हम सब कॉन्फ्रेंस कॉल से कनेक्टेड रहेंगे। ओके ओके। वो आ रहा है। यही है वो? ये है क्या? He is the guy. उसने हमें देखा नहीं। जग्गा, ये तो क्या कर रहा है तुझे पता तो है ना? पता है, तभी तो कर रहा हूं। गाड़ी चालू करो, आराम से फॉलो करो। हे, धीरे 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 चलाओ। भाग रहा है, उस पर नजर रखना। चल चल चल, गाड़ी भगा। नो नो नो, वेट फॉर द सिग्नल। ओए, गो गो गो, फास्ट फास्ट। देखो पूरा, फास्ट फास्ट फास्ट। उसने हमें देखा तो नहीं यार? ए, वेट वेट, ऑटो में बैठा, ऑटो ले रहा है। सिद्धार्थ नंबर नोट कर। 8306 MH02 RA8306। हम नीचे उतरे? वो भीड़ में घुस गया। तेज अम्मू का है। ओए, वो दूसरा कौन है? वो जग्गी, अगर वो लोग 12 की जगह दो ही रहे तो? नहीं, उन्हें 12 अलग अलग जगह काम करना है। वो 2 से 12 होंगे। गाड़ी रोको। वो अलग हो रहे हैं। बाहर निकलो। ओए, चलो चलो चलो। U6 जगदीश, we are on. Yeah, stay on the line. Copy that. हम उसके बहुत करीब हैं। क्या उसे पकड़ लें? नहीं, उसका पीछा करते रहो। He is meeting another guy. Wait. अलग हो रहे हैं। नए वाले का पीछा करो। आओ जल्दी, कम कम। ओके, लेट्स मूव। अभी तक कितने हुए? हम दूसरे वाले का पीछा कर रहे हैं। हम पहले वाले के पीछे हैं। उसके हाथ में एक बैग है। हम धारावी में। वो मार्केट में जा रहा है। देखना, उसके हम पर नजर ना पड़े। रुक जाओ, रुक जाओ। पहला बंदा मोबाइल डीलर से बात कर रहा है। ये भी किसी से बात कर रहा है। तुम उसको फॉलो करो। जगदीश, अब हम क्या करें? तुम में से एक अलग हो जाओ। ठीक है, मैं निकलता हूँ। हम उसे फॉलो करते हैं। हम अलग हो रहे हैं। विशाल है, दूसरे वाले के पीछे जा रहा हूँ। तुम उधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ। ओके, बी ऑन द लाइन। कॉपी दैट। मैं और जब्बार मोबाइल डीलर का पीछा कर रहे हैं। वो हमसे 10 कदम आगे है, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। वो निकल रहा है। नए वाले का पीछा कर। तुम उसका पीछा करो। उनका एक और साथी है। अलग हो जाओ, नए वाले का पीछा। गो गो गो, जाओ उसका पीछा करो। He's leaving. Go. मैं पहले आदमी को फॉलो कर रहा हूँ। Stay alert. सही मौके का इंतजार करना। वो ठीक मेरे सामने ही है। वो बस में चढ़ रहा है, मैं उसके पीछे हूँ। मैं शॉपिंग मॉल में हूँ।
अब हम 12 हैं और वो भी 12। मैं सांता क्रूज स्टेशन पे हूँ, मैं माटुंगा थिएटर में, धारावी में हूँ, आई एम एट जुहू, आई एम एट कुर्ला, मैं चेंबूर में, मैं जेटी पे हूँ। बॉयज, अब वो हमारे जितने हैं, 12। खेल बराबरी का है। गेम इज गोइंग टू एंड नाउ। अपने बैग की आगे वाली जिप खोल के देखो। गन? इसमें तो गन है। इसमें तो गन है। गन? मैं तो सिनेमा हॉल में हूँ। घबराने की जरूरत नहीं है, वो गन मैंने ही अंदर रखी थी। तुम जिनका पीछा कर रहे हो वो कोई मामूली चोर नहीं है, वो खतरनाक टेररिस्ट हैं। अब हम वही करेंगे जो बॉर्डर पर करते हैं। हम ये साबित कर देंगे कि हमें भी इनकी सीरियल ब्लास्ट की टेक्निक की पूरी जानकारी है और हम इनसे 2 कदम आगे रहते हैं। याद रहे, हम सब इनको एक ही वक्त पर गोली मारेंगे। Get set, boys. मैं तैयार हूँ। मैं भी। 3, 2, 1, shoot! Eita! पार्टी भी होगी, लेकिन हमारे कैंप में। गेम खत्म। बताया जा रहा है कि यहाँ पर और 12 जगहों पर जो लाशें मिली हैं, वो सब स्लीपर सेल्स की हैं। 12 men who have been shot, they all were sleeper cells. Neither the police nor the defense have announced their roles in this. Each of the victims, however, have been identified as terrorists, and there are bombs in each of their bags. Sleeper cells से जो मोबाइल बरामद हुए हैं, पुलिस उनके जरिए sleeper cells के हेड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आगे की न्यूज़ के लिए जुड़े रहिए। सर, ऐसा लगता है देश पर sleeper cells नाम का एक और खतरा मंडरा रहा है। Sleeper cells क्या होते हैं, क्या आप हमें ये बताएंगे? आतंकवादियों ने जहाँ भी अपने पैर जमाए हैं, वहाँ sleeper cells मौजूद होते हैं। हमें उनका पता नहीं चल सकता। ये जो 12 आदमी मरे हैं, ये भी आपकी मेरी तरह आम जिंदगियां जीते हैं। सरकार से नाखुश ये सब भी किसी तरह उनसे बदला लेने की फिराक में रहते हैं। इन्हें दरअसल आतंकवाद ही बढ़ावा देता है और अपने काले कामों के लिए इस्तेमाल करता है। 9/11 के बाद अमेरिका में कोई बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ। अमेरिका इकलौता ऐसा देश है जिसने अपने यहाँ मौजूद सारे स्लीपर सेल्स का पता लगा के उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जाना गया है कि 12 आतंकवादी हरकत उल के खतरनाक स्लीपर सेल से थे। ये हैं आतंकवादियों के नाम। उम्र 32, उम्र 29, उम्र 33, उम्र 34, उम्र 31। ये सब किसने किया? अब तक कुछ पता नहीं चला है। पुलिस तक इस मामले में उलझी हुई है। कोई सबूत मिला? स्लीपर सेल से जुड़े हर मुमकिन सबूत को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, लेकिन मारने वाले में से एक ने हमारा फोन अपने पास जब्त करके रख लिया है। किसका फोन? अफसर अली का, जिसे धोबी घाट में मारा था। I don't know who you are, where you are. तूने मेरे 12 आदमियों को मारा, जिसमें मेरा भाई भी शामिल था।
I'm coming for you. एक बार तू हाथ लग गया, तो खत्म कर दूंगा। I'm waiting. ये दीवार कितनी ऊंची है? 6 feet. They are good jumpers. और इस बस की स्पीड क्या थी? Maybe 30 to 40 kilometers an hour. They are good runners. और काफी काबिल स्विमर्स भी हैं. उन 12 आदमियों को सिर के बीचों बीच गोली मारी गई है. चलती हुई बस, अंधेरा थिएटर, भीड़ से भरा मार्केट. अगर हम ये मान ले कि वो 200 मीटर दूर थे, फिर भी काफी सटीक निशाना था. They are trained shooters. लेकिन वो पुलिस वाले नहीं है. और कोई खास बात? नहीं. हाँ, एक और बात है. वैसे कोई खास बात नहीं, पर उन्होंने जब हमारे आदमियों को गोली मारी, तब उन लोगों ने सूट पहने हुए थे. क्या पहना था उन्होंने? उन 12 लोगों ने उस वक्त सूट पहना हुआ था. ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी. मुझे लगा कि ये कोई बताने वाली बात नहीं है. अमेरिका में सूट पहनना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इंडिया में ये बहुत बड़ी बात है. ये एक सुराग है, तो उन्होंने सूट पहने हुए थे. वो किसी बड़े होटल के वेटर हो सकते हैं, या फिर किसी कंपनी में बड़ी पोस्ट पर, या फिर सेमिनार में आए कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एडवोकेट, या शादी में आए कोई गेस्ट. मुझे जल्द से जल्द मुंबई में 27th को हुई सारी मैरिजेस और सेमिनार्स की एक पूरी लिस्ट चाहिए, जिनमें ड्रेस कोड एक सूट था. तू खुद को शाना समझता है क्या? अगर तूने उन 12 लोगों को गिरफ्तार किया होता तो काफी इंफॉर्मेशन मिलती. हमें उनसे कुछ भी हासिल नहीं होता, क्योंकि उन्हें खुद भी कुछ पता नहीं था. और इतना ही नहीं, उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनके जैसे 11 और लोग हैं. सच में? वो सारे स्लीपर सेल्स थे. उनका लीडर एक या फिर कई सारे हो सकते हैं. उन्होंने इसकी प्लानिंग की थी. उस प्लान को अंजाम देने वाले अपनी जान तक की परवाह नहीं करते, और उन्हें ही स्लीपर सेल्स कहते हैं. अगर हम उनमें से किसी एक को पकड़ भी लेते, तब भी हमें उनसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती. तो जब तक स्लीपर सेल्स को ऑर्डर नहीं मिलते, वो आम इंसान की तरह जीवन बिताते हैं. कई बार तो सालों इंतजार करना पड़ता है. तो उन्हें खत्म करने का कोई तरीका नहीं है? पूरी तरह तो नहीं, लेकिन उन्हें रोका जरूर जा सकता है. अगर हम स्लीपर सेल्स के ऑर्डर देने वाले लीडर को खत्म कर दें,
तो वो जिंदगी भर अपने अगले ऑर्डर का इंतजार करते रहेंगे और खुद ही ठंडे पड़ जाएंगे। आइडिया अच्छा है, लेकिन लीडर को कैसे ढूंढेंगे? मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद मुझे ढूंढेगा। हमने उसके 12 आदमियों को मारा है तो वो मुझ पे हमला करने का प्लान जरूर बनाएगा और ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ये होकर रहेगा। बाप रे क्या कह रहा है, लेकिन मुंबई जैसे बड़े शहर में वो तुझे ढूंढेंगे कैसे? उन 12 लोगों को मारते वक्त हमने किसी न किसी तरह के कुछ सुराग जरूर छोड़ दिए होंगे, उन्हें देख के वो हमारा पता लगा लेगा और वो सुराग क्या है ये हमें उससे पहले पता चल जाए तो हम उसकी अगली चाल को समझकर उस तक पहुंच सकते। यार उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जगह तू जानता है यार, तेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज चलता है क्योंकि वो कलर वाला पजल गेम तूने बहुत खेला है। नहीं फोन मत उठाना, ये लड़की का फोन होगा। उस लड़की से तूने बात की ना तो देख तू मैं। हेलो, एक शॉकिंग न्यूज़ है। फिर से शुरू हो गई? इस बार मैं नहीं, तुम्हारे मिस्टर राणा ने हम दोनों को घर पर मिलने बुलाया है, अर्जेंट। मैं अभी पहुंचता हूं। यार जगह ये गलत है यार, यहाँ इतना कुछ हो रहा है तुझे लड़की की पड़ी है? लड़की को छोड़ यार, देश के बारे में सोच। और सुन जगह, अभी मैं तुम दोनों को दो शॉकिंग न्यूज बताने वाला हूं। पहले तुमको जगदीश, उस लड़की ने तुमको पसंद नहीं किया, श्वेता ने, वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती। क्या हो गया? शॉक लगा और क्या? ओके 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 ओके। निशा, इससे पहले कि मैं तुमको तुम्हारी शॉकिंग न्यूज बताऊं, तुम्हें किसी से मिलना पड़ेगा। एक सेकंड रुको, मैं अभी आता हूं। जाओ उनको बरकर। ओके, क्यों हंस रहे हो? और क्या करूं, उस मैटर से छुटकारा जो मिल गया। हंसने तो क्या करूं मैं, लेकिन तुम क्यों हंस रही थी? क्योंकि उस मैटर तक ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। चित्रा, चलिए। इससे कौन सी वेबसाइट से लाए हैं? ये मेरी फैमिली फ्रेंड है, इतनी सी थी तब से मेरे से प्यार करती, लेकिन मुझे 2 दिन पहले मालूम पड़ा, चित्रा को हमारी मंगनी के बारे में पता चल गया। सुइसाइड अटेम्प्ट। बस रे बाबा बस। नंतर हॉस्पिटल में एडमिट किया और मामला बहुत बढ़ गया, ऐसे में मैंने एक फैसला लिया है। आई एम सो सॉरी, मैंने चित्रा से लगिन करने का डिसाइड किया। जानता हूं ये सुन के तुमको कितना बड़ा धक्का लगा होगा, लेकिन मैं और क्या करता, क्या करता मैं? ये वो दोनों, जिंदगी में ऐसा होता रहता है। ओके, अब मैं तुम दोनों से कुछ ना कुछ मांगने वाला हूं। तू छुट्टी पे इसलिए आया क्योंकि इस बार शादी करके यहाँ से जाए। और तुम एक मिलिट्री मैन से शादी करने के सपने देख रही हो। बराबर, तो तुम दोनों आपस में शादी कर लो ना। जगदीश, अपने सीनियर को गलत मत समझ, हम दोनों भले एक दूसरे से लव करते थे लेकिन मैंने इसको किधर भी टच नहीं किया आज तक। तू सांग ना निशा, मैंने तेरे को टच किया? देखा, नहीं किया कभी टच। मैं जानता हूं मुझे भुलाना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। क्या करे मैं इतना हैंडसम जो क्या? ना ऐसी मस्करी में बोला। You're right, sir. ये फिर से अपने चरित्र में आ गया। चलो रे बाबा। निशा, all the best. Bye. Bye. Take care. चलो चलो। निशा, मैं तुमको नहीं मिला इस गम में, इस वेड़ी की तरह। ऐसा ऐसा मत करना, समझ गई ना? Promise? Promise. Okay. Bye. चलो। Hmm.
क्या हुआ? पेट खराब हो गया क्या? आज हमारी पहली डेट है। फर्स्ट डेट का रूल होता है कि बॉयफ्रेंड जो मांगे उसे देना ही पड़ता है, इसीलिए बस जरा सी डरी हुई हूँ। पता नहीं तुम क्या मांग लोगे। ए, क्या है? तुमने पहले से इतनी बड़ी पार्टी दे दी है, काफी खर्चा कर दिया है, बस हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अगर तुमने मुझसे एक किस मांग ली तो मैं मना तो नहीं कर पाऊंगी ना, मुझे तो किस करना पड़ेगा। ए, क्या आइडिया है, मुझे किस चाहिए, करो। ओ नो नो, मुझे इसी का तो डर था। दो ना। लेकिन मुझे किस करना आता नहीं है। तुम आंख बंद कर लो, मैं सब संभाल लूंगा। मुझे पता चल गया है कि वो हम तक किस सुराग की मदद से पहुंचने वाला है। ए? उसे कैसे पता चलेगा कि हम उस दिन शादी में गए थे चर्च में? उस दिन हम सब में एक बात कॉमन थी और वो था हमारा ड्रेस कोड। अगर वो तेज खोपड़ी हुआ तो सीधा चर्च जाएगा। हाँ वो तो है। सत्ताईस तारीख को सारा फसाद इसी चर्च से शुरू हुआ था, क्योंकि उस दिन वो शूटर्स यहाँ एक शादी में आए थे, वो भी एक आर्मी वाले की शादी। The name of the bridegroom is William Martin Choi. क्या हमें उसका एड्रेस मिल सकता है? Yes. Yes. Is this Joel's house? Yeah, it is. We are from the army too. His batchmates. Oh yeah, come. Thank you. Inside. Joel to honeymoon pe hai. You could have contacted him on his mobile. But his phone was out of reach, uncle. Oh, I'm so sorry. Aiyah, baithiye, please. Oh, thank you. Ye Joel ki mother hai. Oh, hello. Ye bol nahi sakti. Oh, I'm so sorry. Please, baithiye. Main Joel ke liye gift laya hun. Oh, very kind of you. Thank you so much. Thank you. Kya peena pasand karoge? Nahi, kuch nahi, thank you. Uncle, can I see Joel's wedding album? Oh, of course. I will just get it. Excuse me. I'll bring it. क्या मैडम? कोई भी किसी का पता मांगता है और ये लोग दे भी देते हैं। एक बार पूछना चाहिए ना, काम क्या है? ये सब का टाइम नहीं बालाजी। Let's go. ये है जोएल की स्कूल टीचर और ये जोएल की कजिन। ये हैं ज्वेल के कैपमेट्स। अच्छा अंकल, इसमें तो 5 टीम्स हैं। वो अब तक 5 कैंप्स पे गया है तो 5 टीम्स तो होंगी ना। कैन यू गेट मी अ कॉफी? ओ हाँ, लाता हूँ। सारा मामला आकर यहाँ अटक गया, अब कैसे पता चलेगा कि किस टीम ने हमारे आदमियों को मारा था? मैं पता लगा लूंगा। Here is your coffee, my boys. Thank you. तुम्हें फोटो कैसे लगे? बहुत ही अच्छे अंकल। तो जल्दी कैसे आ गए? मुझे दवाइयाँ मिली नहीं। ये ज्वेल के बैचमेट्स हैं। ये शादी में नहीं आ सके। Welcome. I'm Noel, ज्वेल का भाई। Please entertain. Hi. कुछ कॉफी वगैरह दिया? हाँ दी। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज्वेल के साथ तुम लोग किस कैंप में थे?
कश्मीर। कश्मीर कौन से साल में? 2005। 2005 में तो वो दिल्ली में था, उसके बाद वो कभी कश्मीर गया ही नहीं। क्या मैं तुम्हारे आईडी कार्ड देख सकता हूँ? कैन यू शो मी योर आईडी कार्ड? शो मी, आईडी कार्ड दिखाओ। पापा पूछे बिना आप किसी को भी अंदर कैसे आने दे सकते हैं? जोएल के बारे में तो इन्हें कुछ ठीक से पता ही नहीं है। मुझे स्मार्ट लोगों से नफरत है। शो मी, शो मी। आई हैव अ मैसेज फॉर हिम। साला मुझे उम्मीद से ज्यादा तेज निकला। इन सबके चेहरों पर ये निशान कैसा? वो हर टीम के एक आदमी को मारना चाहता था कि जान सके कि उसके आदमी को किसने मारा। निशान का मतलब टारगेट। हेलो, हेलो, हाय, आई एम कैप्टन जगदीश स्पीकिंग। हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक आप खतरे में हैं। आर यू सेफ? यस, आई एम ओके। आर यू श्योर? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, जस्ट बी केयरफुल, ओके? अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कॉल करना, ये मेरा ही नंबर। ओके। तुम ठीक हो? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, बिल्कुल सेफ हूँ। मैं ठीक हूँ। कुछ प्रॉब्लम हुआ तो डेफिनेटली आई विल कॉल यू। ओके। ये क्या है? इनके चेहरों पर निशान था लेकिन ये लोग सेफ हैं। ये तो चिंता की बात है। अगर चीजें उम्मीद के मुताबिक ना हो इसका मतलब वो कुछ और प्लान कर रहा है। जगदीश, मैं अमर सिंह बोल रहा हूँ। किसी ने मेरे भाई साहब की बेटी को किडनैप कर लिया। क्या क्या बोल रहे? उस सवेरे सवेरे जॉगिंग पे गई थी, किसी ने गाड़ी में बिठा के किडनैप कर लिया। तुम अभी अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करो। डरो मत, कुछ नहीं होगा। हाँ बोल, क्या हुआ? साले आर्मी ऑफिसर्स को किडनैप करके कुछ उगलवा तो पाएंगे नहीं, इसलिए अब घरों की लड़कियों को किडनैप कर रहे हैं। वो चाहते क्या है? ये पता लगाना चाहते हैं कि वो कौन सी टीम थी। धमकाने डराने का काम कर रहे हैं। मैं तुझे उन लोगों का नंबर एसएमएस कर रहा हूँ जिनके सर पर निशान लगाया गया था। उन लोगों को फोन कर और पता लगा कि उनके घर की कौन सी लड़की इस वक्त बाहर है। उन लड़कियों के नंबर ढूंढ और सीधा कंट्रोल रूम जा। उसके बाद सिम्स को ट्रैक करके पता लगा वो किस एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ ठीक है। हाँ भैया। कहाँ है तू? डिजाइनिंग क्लास जा रही हूँ। हाँ लेकिन कहाँ? पवई। क्यों? ये वो सारे नंबर्स हैं, पता लगाना है ये सेलफोन्स किस एरिया में। ठीक है सर। हेलो जगदीश। मेरी बहन सुबह योगा क्लास गई थी यार, अभी तक घर नहीं आई। उसकी सहेली ने बताया कि एक कार उसे लेने आई थी, जबकि हमने तो कोई कार नहीं भेजी। जगह
यार मैं कब से तुझे फोन कर रहा हूँ। हाँ बोल। तूने जो 5 लड़कियों के नंबर दिए थे उसमें से एक लड़की का नंबर डीएक्टिवेट हो चुका है और अभी अभी एक और नंबर हुआ है। मुझे भी कॉल आया था, दूसरी लड़की को भी लगभग उसी वक्त किडनैप किया गया। लगता है बहुत बड़ी पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ेगी। उसकी फैमिली पुलिस में कंप्लेन कर चुकी है, तू कुछ गड़बड़ मत करना। तेरा प्लान तो बता यार। बताऊंगा, एक बात बता, वो दूसरा सेलफोन कहाँ डीएक्टिवेट हुआ? साउथ मुंबई में वो लड़की जहाँ पड़ती है वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर। और पहली लड़की का फोन किडनैप होते ही डीएक्टिवेट हो चुका था। लगता है तुरंत सिम कार्ड निकाल दिया होगा। एक काम कर, तू इसी वक्त बाइकला के लिए निकल, मैं तुझे रास्ते में मिलता हूँ। सुन जगह यार, अभी भी 3 लड़कियाँ सेफ हैं, उनको फोन करके इतला कर देते कि घर से बाहर ना निकले। प्लीज तू अपना दिमाग मत चला, फिलहाल उन लड़कियों से ज्यादा जरूरी हमारे लिए स्लीपर सेल्स का हेड है। तू बस बाइकला के लिए निकल। हेलो जगदीश, मेरी बहन सुबह कॉलेज गई थी सेमिनार के लिए, अभी तक वापस नहीं आई। चौथी लड़की भी गायब हो गई, अब सिर्फ एक लड़की बची है। हेलो, एट व्हाट टाइम? ओके ओके, डोंट बी वरीड, इफ यू गेट अ कॉल फ्रॉम देम लेट मी नो। 5वीं लड़की भी गायब हो गई। Yes. तू इंसान है या हैवान? शैतान बन गया तू। लड़कियों के किडनैप होने का जरा भी गम नहीं है तुझे। स्लीपर सेल्स के हेड को पकड़ने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो गया है। बालाजी मेरी बात को समझ, अगर हमने उस हेड को मार दिया तो सालों तक मुंबई में कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं होगी। ये बात है, और इस काम के लिए मासूम लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो मर भी जाए तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। इमोशनल मत बन, तो कुछ और सोचता अगर तेरे परिवार में से कोई किडनैप हो गया होता। बस कर, फिलहाल मुझे मुंबई की सेफ्टी की चिंता है। उन 5 लड़कियों में से एक लड़की मेरी बहन है, वो उन सारी लड़कियों को एक ही जगह पर रखेगा, हमें एक ही वक्त में उन्हें छुड़ाकर उसे पकड़ना हो। अशरफ की बहन की जगह मैंने अपनी बहन संजना को वहाँ किडनैप होने भेजा है। कहाँ है तू? डिजाइनिंग क्लास जा रही हूँ। हाँ लेकिन कहाँ? हवाई। क्यों? अभी के अभी आईपीएस कॉलेज जा और मेरे बैचमेट अशरफ की बहन की स्कूटी लेकर वहाँ से निकल। मैं किसी और की स्कूटी क्यों चलाऊं? जैसा कह रहा हूँ वैसा कर। ओके, जीन्स टी शर्ट पर 40% की सेल लगी है, आप मुझसे वादा करो कि मुझे वो दिलवाओगे? हाँ बाबा हाँ। दिमाग खराब है क्या? हद कर दिया, संजना के बारे में एक बार तो सोचता, क्या कोई अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा करता है? उसे कुछ नहीं होगा। इसको यहाँ क्यों बुलाया? लो संजना का दुपट्टा, उसने मरून कलर का टॉप पहना हुआ है और स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है? तुझे तो डॉग को लेकर उसे ढूंढ, मैं पुलिस फोर्स के साथ आगे बढ़ता हूँ। चल मिलते हैं। एक एक करके फोटो दिखाओ, इसे कौन जानता है, इसे कौन जानता है? मेरे भैया। उस तरफ जाओ। मेरे चाचा जी। My brother. कौन है ये? तुम्हारा भाई है? तुम्हारा नहीं, अगली फोटो दिखाओ।
मेरे भैया। इन 5 फोटोज में तेरा भाई नहीं था? नहीं। एक एक करके ग्रुप फोटोज दिखाए इसे। तेरा भाई है इसमें? ये वाला? तुझे किसी और की स्कूटी चलाने के लिए किसने कहा था? मेरे भैया ने। हाँ बोल। ऑपरेशन ओवर। हमें पता चल गया है कि वो कौन सी टीम थी। उस टीम के एक बंदे ने किडनैप होने वाली लड़की की जगह अपनी बहन को भेज दिया। हमने इन लड़कियों के सिम कार्ड्स निकाल दिए हैं। वो यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाएगा। No, no, no. He's not a fool. अगर वो अपनी बहन को भेज सकता है, तो तुम तक भी पहुँच सकता है। He will get to you. ये क्या बोल रहे हो तुम? उसके आने से पहले उस लड़की को मार दो और वहां से निकल लो। Okay. Hey, सारे लोग तैयार हो जाओ और इन 4 लड़कियों को बांध दो और इस लड़की को बांध के इधर लाओ। जल्दी करो, जल्दी। रुक जाओ। देखो और सबको मार रहा है। Oh!
अब डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सेफली एक टैक्सी में बिठवा देता हूँ। अगर कहीं पुलिस पूछे तो उनसे कहना बहुत अंधेरा था और तुम मेरा चेहरा ठीक से नहीं देख पाई। ओके बैठो। ऑपरेशन ओवर। हमें पता चल गया है कि वो कौन सी टीम थी। उस टीम के एक बंदे ने किडनैप होने वाली लड़की की जगह अपनी बहन को भेज दिया। आपने जानबूझ के ऐसा किया, आपको सब कुछ पता था। दर्द होता है यार, इतना बड़ा चाकू मेरी गर्दन पर था। आपको देर हो जाती तो मैं ऊपर चली जाती। हाँ, लेकिन इस रिस्क की वजह से ही तो ये हमारे हाथ लग पाया। रिस्क लेना था तो अपनी लाइफ के साथ लेते ना, मैं ही मिली थी क्या? जान जोखिम में डालने का ठेका मिलिट्री और पुलिस ने तो लिया हुआ है, बाकी सब आराम से घर बैठ के न्यूज देखते हुए कमेंट पास करते रहे। ऐसे मारना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, बस ये चलता रहता है। आपके रिस्क के चक्कर में अगर उसका चाकू मेरी गर्दन पर चल जाता तो क्या होता? वही होता जो मंजूर खुदा होता। खुद के साथ होता ना तो पता चलता। संजना, जब हजारों लोगों को मारने के लिए कुछ लोग अपनी जान देने से नहीं डरते, तो क्या हजारों जिंदगियां बचाने के लिए हम अपनी जान पे नहीं खेल सकते? देखा ना, तुम्हारी वजह से उनका लीडर पकड़ा गया। वो कोई लीडर नहीं है, कोई तो उसको फोन करके ऑर्डर दे रहा था, उसके बाद ही मुझे मारने की कोशिश की। सॉरी, फिंगर कटर। ओह सॉरी, नेल कटर। वैसे तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम मुझे पार्टी में ऐसे ही छोड़ के चले गए, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। देखो,
इस तरह अचानक यहाँ आके, प्लीज मुझे इस तरह डराया मत करो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कमरे में मेरे साथ कोई और भी हो। सैंडबैग, डंबल्स, वर्कआउट का शौक भी रखते हो? हाँ, नॉट बैड। हे, जानते हो मुझे एक फॉरवर्डेड मैसेज आया था, एक डीप किस से 40 कैलोरीज बर्न होती हैं। That is equal to 30 minutes of speed walking, 20 minutes of swimming, 10 minutes of skipping and 5 minutes of... किस करनी ना तुम्हें? तो सीधा बोलो, ये फॉरवर्ड मैसेज वास्तु फेंग शुई का बहाना मत बनाओ। तुम लड़कियां एक तो ललचाती हो, फिर कहती हो These boys are so mean, देखो ना कितना चीप है। इतनी देर में तो सिद्धि विनायक में दर्शन भी हो जाते। ओके बाय। ए ओके ओके, कहां जा रही हो तुम? कितनी दूर से आई हो? आज तो आओ। 40 कैलोरीज क्या, हम तो 80 कैलोरीज भी बर्न कर लेंगे। ये जगह ठीक नहीं है, उस तरफ आओ। अब क्या वास्तु देख के किस करोगे? अपनी आंखें बंद करो, आईज क्लोज्ड, लिप ओपन। अगर तुम फिर से भाग गए तो? Who's that? कहा था ना जरूर मम्मी होगी। ओ गॉड, अब हम क्या करें? जाओ जाके दरवाजा तो खोलो। कहाँ जा रही हो? अलमारी में छुपने के लिए। ये अलमारी बिजी है, तुम इसमें आ जाओ। क्या हुआ मम्मी? तू है, न्यूज देखी क्या? हा? ये सब न्यूज में आ गया? यहाँ पर क्या सीसीटीवी कैमरे लगे हुए? ओवर एक्टिंग बंद कर, मैं वहीं से आ रहा हूँ। तेरी हरकत की वजह से 16 लोगों की जान चली गई। वो सारे स्लीपर सेल्स थे, आम लोगों की तरह जी रहे थे। उनके परिवार वाले मोटे मोटे आंसू बहा रहे हैं और तू उनको टेररिस्ट नहीं मानता? मुझे पहले से पता था। अच्छा ये बता, तुझे स्लीपर सेल्स के हेड के बारे में कुछ पता चला? तू नहीं सुधरेगा। ये मेन बंदा नहीं है, इसे ऑर्डर देने वाला अभी भी बाहर है। ये लड़कियों की तरह क्यों खास रहा है? सॉरी सॉरी, कम आ जाओ। हाय जग्गा, तेरी अलमारी में आम लोगों की तरह बुक्स या कपड़े वगैरह नहीं रखता? हाय मेरा दोस्त तुम्हारा मंगेतर है। फ्री में तुम्हें एक एडवाइस दूं क्या? हाँ दे दो। तुम्हारा कोर्ट मार्शल हो जाएगा। आज सुबह अंधेरी वेस्ट के इलाके में एक लाश मिली है जिसकी कुछ उंगलियां कटी हुई हैं और साथ ही उसके शरीर पर बहुत से जख्मों के निशान भी पाए गए। पुलिस का मानना है कि उसे मारने से पहले बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये लाश आसिफ अली नाम के एक व्यक्ति की है जिसका कनेक्शन पिछले हफ्ते मारे गए 16 स्लीपर सेल्स के साथ था। शुरुआती जांच में ये साफ हो गया है कि ये व्यक्ति एक आतंकवादी था, लेकिन इसका खून किसने किया है ये अभी साफ नहीं हो पाया है। उसने इसे इसलिए मारा क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं कर सका। मंसूबा है और वो सामने क्यों नहीं आ रहा है, इस बारे में हमें जो भी वो आदमी इनमें से एक है जिसकी तुम्हें तलाश है, है ना? आज की दूसरी बड़ी खबर ये है कि स्टॉक मार्केट बहुत ही ही इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डरर। उसे उकसाओ, कुछ नया सोचो, अचानक हमला करो ताकि वो सामने आए, स्लीपर सेल्स का पावर दिखाओ। आप जाइए, मैं आता हूं। ठीक है, जल्दी आना। Let's finish the game. मुझे तू चाहिए जिंदा। अपने टीममेट सुजीत को फोन कर, उससे पूछ क्या वो इन्फिनिटी मॉल अंधेरी में है, और उसे बता दे अगले 10 सेकंड में वहां धमाका होगा। Hey, hey!
जल्दी खाओ बेटा, खाना ठंडा हो जाएगा, घर भी तो जाना। हाँ जगदीश, क्या हाल है? सुजीत, इस वक्त तू कहाँ है? बस फैमिली के साथ खाना खा रहा हूँ। हाँ लेकिन कहाँ? इन्फिनिटी मॉल में। क्यों? सुजीत, उस बिल्डिंग में एक बॉम्ब है, अभी वहां से निकल। क्या बात कर रहा है तू? जल्दी वहां से निकल, सिर्फ 5 सेकंड्स बचे। ऐसे कैसे? यहाँ तो काफी सारे लोग। मेरी बात सुन, सबको अलर्ट कर और वहां से जल्दी निकल जा। कम ऑन सुजीत, गेट आउट। कम ऑन मैन, गेट आउट। सुजीत, कैसा लगा मेरा तोहफा? सिर्फ वही नहीं, I know exactly where each one of the remaining 11 are. हर एक का पीछा एक स्लीपर सेल कर रहा है। बस तू देखता जा। सिद्धार्थ शेट्टी, लियोपोल्ड कैफे, नीलमणि, महालक्ष्मी टेंपल, अशरफ, क्रॉफर्ड मार्केट, जिगर सिंह, सिनेमैक्स थिएटर, सिद्धार्थ, जुहू बीच, विशाल, लीलावती हॉस्पिटल, जब्बार, फैशन स्ट्रीट, जगदीश, बांद्रा मार्केट, सुमेश कृष्णा, सिटी मॉल, हरप्रीत सिंह, जुहू चौपाटी, सुरेंद्र, चर्च गेट स्टेशन। I'll take out the next guy now. तुम्हारा टीममेट जगदीश इस वक्त बांद्रा मार्केट में। अगले 3 सेकंड में वो जिस जगह खड़ा है वहां भी एक धमाका होगा। 3, 2, 1, boom! क्या हुआ? डर गए क्या? उसे कुछ नहीं हुआ, मुझे उसकी जिंदगी नहीं चाहिए। I need you. Okay, okay. Don't do anything to anyone. I will come. Good, good decision. Now. I'm waiting. कौन है ये सब? हम सिर्फ उन आर्मी ऑफिसर्स को जानते हैं जो बॉर्डर पर लड़ते हुए या टेररिस्ट अटैक में शहीद हो जाते हैं। हाय जगदीश। ये वो लोग हैं जो देश की खातिर लड़ते हुए जख्मी हुए थे। ज्यादातर नौकरियों में ऐसे हालात में प्रमोशन मिल जाती है, लेकिन आर्मी और पुलिस की नौकरी में आपको रिटायरमेंट मिलता है। जगदीश, हे, दे आर रेडी। हाँ, हाय फ्रेंड्स। हाय। आप सबसे मैंने इसके बारे में फोन पर पहले ही बात कर ली थी। जिस वक्त का इंतजार था वो आ गया है। हम सब मिलके अब एक असाइनमेंट को अंजाम देने वाले हैं। कल सुबह मैं स्लीपर सेल्स के कंट्रोल करने वाले आदमी को मिलने वाला हूं। मुझे उससे मिलने अकेले और निहत्थे जाना होगा, और इसलिए उस टेररिस्ट से मिलने से पहले मैं अपनी बॉडी में एक छोटी सी ट्रैकिंग चिप डालूंगा। उस चिप की मदद से बालाजी मुझे कंट्रोल रूम से ट्रैक करेगा और राज को मेरी पल पल की पोजीशन बताता रहेगा। मेरे पास आर्मी का वो केमिकल है जिसकी मदद से आप फटाफट कोई भी बॉम्ब बना सकते हैं। आप सबको वो आज शाम मिल जाएगा। उसकी मदद से आपको प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स बनाने होंगे और उसे राज को दे देना होगा। मैं कहां जा रहा हूं ये तुम्हें बालाजी की मदद से पता चलेगा और तुम्हें वह बॉम्ब वहां लेकर आना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे किसी अलग थलग पड़ी जगह पे ले जाएंगे। सो एक कार में एक्सप्लोजिव्स लेके आना और फिर वहां से चले जाना। ओके। उन्होंने मुझे जिंदा क्यों बुलाया है फिलहाल मुझे ये पता नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि स्लीपर सेल्स के लीडर से मिलने के 15 मिनट बाद वह बॉम्ब फटे। मेरे साथ साथ उस स्लीपर सेल्स के हेड को भी उड़ जाना चाहिए। स्मैश। उसके बाद सारी स्लीपर सेल्स बन जाएंगी कोमा सेल्स। फिर जिंदगी भर उन्हें कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा। इट्स लाइक अ सुसाइड अटैक। तेरा दिमाग तो ठीक है? सुसाइड अटैक की बात कर रहा है और वो खुश होकर तालियां बजा रहे हैं। वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। अरे लेकिन तुझे ही क्यों मरना है? अपनी नहीं तो अपने परिवार की तो सोच। परिवार किसका नहीं होता यार? जब ताज अटैक हुआ तब क्या लोग अपने परिवार को गुड बाय कह पाए थे? हेमंत करकरे, विजय सालस्कर,
अटैक के सिर्फ 20 मिनट के अंदर उन दोनों की जाने चली गई। उनके परिवार नहीं थे? देख इन एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स को देख, जिन्होंने खुशी खुशी देश की खातिर अपने हाथ पैर गंवा दिए। क्या इन लोगों के परिवार नहीं? एक आर्मी मैन को जिंदगी में इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। लेकिन तू, हजारों मासूमों की जान लेने वाले दरिंदे अपनी जान देने को तैयार होते हैं, तो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए क्या हमें पीछे हटना चाहिए? मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। मेरे लिए अगर तू कुछ करना चाहता है ना, तो मेरे घर जाके कभी कभी मेरे परिवार का हाल चाल पूछते रहना। मेरी दो छोटी बहनें हैं, टाइम मिले तो बीच बीच में उनसे मिलते रहना। ए, चार दिन बाद हमारी सगाई होने वाली है और तुम अब जाके रिश्ते के लिए मना कर रहे हो? नहीं, मना नहीं कर रहा हूं। अगली बार जब आऊंगा तब सगाई कर लेंगे। शादी तो अगले साल ही है ना, अभी तो हम सिर्फ सगाई कर रहे हैं। हाँ, बाद में कर लेंगे। पहले मैं तुम्हें पसंद नहीं थी, फिर मैं तुम्हें पसंद आने लगी। अब क्या फिर से मन बदल गया है? एक बार समझा दिया, समझ में नहीं आता। ओके, लेकिन तुमसे दूर रहना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। मेरा आदमी तुम्हारे पास खड़ा है। नहीं, यहां कोई नहीं है। सड़क के उस पार देखो, वहां एक 3525 सिल्वर कलर इंडिगो कार है। वो कार लो और सीधा 101 ग्रोवेल मॉल कांदिवली आ जाओ। ब्लैक होंडा सिटी 7087 में बैठकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चले जा।
नाम क्या है? नाम बताना। भूल गया क्या? तू गूंगा है? मेरा नाम जगदीश है। ओह, ये बोलता है? ये गूंगा नहीं है। तेरी बोलती बंद कर दूंगा। तू जानता नहीं मैंने तुझे क्यों बुलाया है। बस तू देखता जा कि आगे मैं तुझे क्या ब्रेकिंग न्यूज देता हूं। ये वो सारी कार्स हैं जो तूने पार्क की थी। जानता है इनके अंदर क्या रखा हुआ है? हम ये बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं करेंगे, पुलिस को इनकी खबर देंगे और वो ये छानबीन करने में बिजी हो जाएंगे कि ये किसका प्लान है। जब तक पुलिस तुझे ढूंढने आएगी तब तक मैं तुझे और तेरी पूरी टीम को खत्म कर दूंगा। जानता है बॉम्ब डिफ्यूज करने का क्रेडिट किसे मिलेगा? यहां नजर डाल, जवाब मिल जाएगा। जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, तूने जिन 12 स्लीपर सेल्स को खत्म किया था ना, उन्हें खत्म करने का सहरा भी इसी के सर जाएगा। और उसके बाद सबको लगेगा कि तू एक पाकिस्तानी एजेंट है। और उसके बाद इनका प्रमोशन होगा टू डिफेंस सेक्रेटरी। आज से पहले इंडियन आर्मी में कभी भी स्लीपर सेल्स नहीं थे, लेकिन इनकी मदद से हम हमारे स्लीपर सेल्स से इंडियन आर्मी को भी भर देंगे। फिर जो चाहे वो करेंगे। मैं मर नहीं सकता, मुझे जिंदा रहना होगा। आर्मी में स्लीपर सेल्स देश के लिए कैंसर जैसा होगा। सोच जगदीश, सोच। तुझे यहां से निकलना होगा। Do you have any death wish? क्या कहते हैं उसे, आखिरी ख्वाहिश है? मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपने हाथों से मारो। हा? मुझे मार मार के मार डालो। सुना, इसकी आखिरी तमन्ना है कि मैं इसे मार मार के मार डालूं। ठीक है, मार। क्या?
हथकड़ी खोल के मार। सुनो, तुम्हारे मालिक ने मुझे हाथ बांध के मारा, करने का बोला तो सोच रहा है। तूने मेरा हाथ तोड़ा और तेरे साथ इतने लोग हैं, फिर भी तू डर रहा है। साला डरपोक कहीं का, मेरा हाथ तोड़ने और इतने भाड़े के टट्टू होने के बाद भी तू मेरी हथकड़ी खोलने से डर रहा है ना? इसको कहते हैं डर। जमाल क्या कर रहे हो? गोली मारो इसे। शूट हिम। ही इज अ ट्रिकी गाय। मैं कह रहा हूं मेरी बात मानो। जस्ट शूट हिम। तुम इससे जीत नहीं सकते। मेरा मतलब खोल दो इसे। कह रहा हूं भाई, ये दोनों लड़ते लड़ते मर जाएंगे। आप बोलो तो मैं गोली मार देता हूं उसे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी बात मानो ना। से और कोई रास्ता नहीं है। जस्ट शूट हिम। हथियार नीचे।
कितना बेवकूफ है। तू चाहे मुझे मार दे, लेकिन स्लीपर सेल्स को कंट्रोल करने की सारी डिटेल्स वहां उस शिप पर है और उनका काम चलता ही रहेगा। थ्री टू वन। समझ आया? तू सस्पेंस में ही मर। पहले ही इसके लिए हाँ कर देता तो आज मैं दादा बन गया होता। किसी शुभ दिन का शुभ मुहूर्त निकाल लो। अब मुहूर्त निकलने का टेंशन कहाँ है? सर, जल्दी ठीक हो जाएगा। सुपर जोड़ी सर। हाँ, तेरे को एक बात मालूम है, ये दोनों साथ में क्यों हैं? फक्त मेरी वजह। सचमुच? यस सर, जिस दिन हम मुंबई आए थे उस दिन जगदीश के पापा उसे यही लड़की दिखाने ले गए थे। पहले उसने ना कहा, फिर लड़की ने ना कहा, और जब दोनों राजी हुए तब ना जाने कोई ढक्कन बीच में आ गया था। लेकिन अब सब कुछ सेटल है। वैसे आपने इन दोनों की क्या मदद की? तूने अभी बोला ना कोई ढक्कन बीच में आ गया था। वो बाटली का ढक्कन वही है। सॉरी सर। ए, क्या हुआ तुझे? यार सच में आर्मी ग्रेट है। अगले 11 महीनों तक किसी छोटे बंकर में, बर्फ के पहाड़ पर या तपते रेगिस्तान में कहीं भी पोस्ट होगी तेरी, तो वहाँ इन 40 दिनों की याद में डूबा होगा। फैमिली फोटो को हाथ में लिए बार बार देखता रहेगा। आर्मी मैन को सलाम है यार।